कई बच्चों को हम अपनी खेती के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अश्रद्धा पैदा करते हैं, चाहे वो जाने अनजाने में हो। आप बच्चों को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम सब पढ़े हैं, लेकिन इस प्रकार की बात बोल करके मत पढ़ाइए, क्योंकि वो अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो वो, आपने तो खेती के प्रति अश्रद्धा पैदा कर दी उसके मन में, वो तो करेगा नहीं, नौकरी मिली नहीं उसको, तो फिर वो आपकी जमीन बेचेगा, और यही हो रहा है। इसलिए अपनी संतानों में खेती के प्रति लगाव पैदा कीजिए, अश्रद्धा पैदा मत कीजिए, जितना वो कर सकता है, जितना उसको सिखा सकते हैं। और पढ़े लिखे लोग अगर खेती करेंगे तो अच्छे उन्नत प्रकार से खेती करेंगे, वो पैकेट के ऊपर देख लेंगे कब का बीज है, आउटडेटेड तो नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गया है, कौन सा खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इस बार कैसी वर्षा होने वाली है, इस बार मौसम कैसा रहने वाला है, उसको सब जानकारी आजकल लेते हैं। कितने दिन बाद पानी आने वाला है आपके मोबाइल पर दिख जाते हैं, कब बोना चाहिए ये उसको मालूम पड़ जाता है। पहले तो ये सारी चीजें जो थी हमारी परंपरागत ज्ञान था, कहावतें थी जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती थी, और हर काम के पीछे कोई ना कोई कहावत होती थी, कब बोना चाहिए, कब काटना चाहिए, इसकी भी कहावतें थी। अब भूल गए हम, पुराने लोगों को मालूम होगी, अमावस्या की जो हमारी रात्रि आती है जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, उस समय हमारे यहां पर बोनी करने के लिए कहा गया, विशेष कंद की फसलों का, जो भी आलू लगाना हो, अदरक लगाना हो, प्याज लगाना हो, लहसुन लगाना हो, सब कृष्ण पक्ष में लगाई जाती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जब अंकुरित होता है तो उसको अंधेरे का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो बच्चा भी पैदा करते हैं तो अंधेरे में करते हैं, उजाले में नहीं होता, और आजकल तो बच्चा पैदा होते ऐसे ही फ्लश लाइटें चालू हो जाती कैमरों की, बच्चा की आंखों का क्या होता होगा। हमारे यहाँ तो 9 दिन तक पहले बच्चा कोई देख नहीं सकता था, अछूत माना जाता था, और अछूत वो नहीं, हम रहते थे, ताकि बाहर का कोई रोग नहीं आ जाए उसके ऊपर। तो इसलिए कृष्ण पक्ष में बोनी की हमारे यहाँ पर प्रचलन था, और शुक्ल पक्ष में काटने का था, क्योंकि चंद्रमा का जो अमृत है, चांदनी है, उसके कारण सारी फसलों में, औषधियों में रस आता था, वो उसमें बढ़ोतरी होती थी, सभी प्रकार के गुण बीज में आते थे। और इसलिए शरद पूर्णिमा को देखिए ना, हम रात को खीर रख करके अमृत बरसेगा और हम उसको खाएंगे तो हम वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे, श्वास खांस के रोग समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए उसके बाद से फिर औषधियों का संकलन किया जाता था, दवाइयां बनाई जाती थी। अभी 11 पर हमने सभी औषधियों की पूजा की और सभी प्रकार की भाजी अन्न की पूजा की, उसके बाद फिर औषधि निर्माण का, च्यवनप्राश निर्माण का, आंवले की सारी औषधियों का निर्माण का काम प्रारंभ हो जाता है पूर्णिमा के। तो हमारे यहां पर था पहले कौन से खेत में क्या बोना चाहिए, इसकी भी था कि हमारे यहां पर कौन सा नक्षत्र में कौन सी चीज बोई जाती है, तो उस नक्षत्र के भी वर्णन थे कि चना चीतरा चौगुना और स्वाति गेहूं हो, कि चित्रा नक्षत्र में अगर चना बोएंगे तो चौगुना होगा और स्वाति में गेहूं बोएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आजकल तो उसके भरोसे है नहीं, जब नहर छोड़ जाएंगे तब गेहूं बोएंगे, जब बिजली आ जाएगी तब बोएंगे, तो वो तो कहावत खत्म हो गई। फिर किसमें क्या बोना चाहिए, तो जब खेत घनाघन बाजे तब चना धनाधन गा, जब खेत बज रहा हो तो उस खेत में चना बोना चाहिए। एक और कहावत थी कि ढेले चना और मैदे गेहूं, मतलब आपने खेत जोता है तो उसमें अगर ढेले निकले बड़े बड़े तो उसमें चने बोई है, और अगर मैदे जैसी मिट्टी निकली तो गेहूं बोई है। तो इसी कहावत थी, बरसात में भी कौन सी चीज कितनी दूरी पर बोना चाहिए, तो बोले कदम कदम पर बाजरा और मेंढक कूदे ज्वार, किस कौन सी चीज कितनी दूरी पर बोना चाहिए, सबकी अलग अलग कहावतें थी। कौन से नक्षत्र में कैसा क्या रहेगा तो कौन सी चीज पैदा होगी, इसका भी था। तो ये चीजें हम परंपरागत धीरे धीरे भूल गए, उसके कारण हमको आधुनिक विज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता, लेकिन अगर वो भी नहीं सीखे तो फिर हमारी खेती बर्बाद हो जाए। और इसलिए पुराना जो ज्ञान है वो हम संकलित करें पुराने लोगों से, ये आधुनिक पीढ़ी के भी दायित्व है कि पुराना जो हमारा परंपरागत ज्ञान है
वो ज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी दुनिया बदल जाएगी, सूर्य चंद्रमा मौसम नहीं बदलेगा, वो तो उसी के अनुसार चलेगा। आप कितने ही प्रकार की आधुनिक चीजें आ जाए, आप मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी के पास जाओगे, पंचांग देख के बताएगा, वो जनवरी फरवरी देख के नहीं बता सकता। तो ये चीजें तो हमेशा रहेगी, वो चंद्रमा के अनुसार सारी चीजें हमारे यहां पर चलती है। और इसलिए इस ज्ञान का संग्रह हम सब गांव गांव में करें, पुराने लोगों के पास अभी भी वो सारा ज्ञान उपलब्ध है, कौन से आप फसल किस दिशा में बोना चाहिए, रबी की फसल कैसे बोना चाहिए, खरीफ की फसल किस दिशा में बोना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर खरीफ की फसल बारिश के समय जो फसल बोई जाती थी वो पूरे पश्चिम बोई जाती थी, हल जोता जाता था। और क्यों? क्योंकि बरसात में धूप कम रहती है, बादलों से आच्छादित रहता आकाश, और इसलिए जब भी सूरज निकलेगा हमारी फसल को धूप मिले, तो पूर्व से पश्चिम तक जाएगा तो पूरे समय दिन भर धूप मिलेगी। और रबी की फसल जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बोई जाती है, क्योंकि धूप की ज्यादा जरूरत नहीं है, कम पानी हो कम से कम, तो उत्तर दक्षिण रहेगी तो ये फसल बड़ी होगी तो उधर की फसल को छाया हो जाएगी।